12वीं पास विद्यार्थियों का टीचर बनने का जो सपना है इस मुख्य कोर्स के द्वारा पूरा हो सकता है। आज आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसे टीचिंग कोर्स के बारे में जो 12th के बाद किया जाता है और जिससे आपको जॉब मिल जाती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप दोनों प्रकार की आप जॉब जो आपकी निकलती है, नौकरी निकलती है, उसमें आप योग्य हो। चलिए इस कोर्स की फुल डिटेल देख लेते हैं, एक एक पॉइंट्स पर इसकी नज़र डालेंगे कि ये आखिरकार DEd इस कोर्स का नाम है और ये DEd क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और कैसे अन्य कोर्सों से ये भिन्न है, DLed और BEd और DEd में आपका क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कितना लाभ और कितनी हानि आपको देखने को मिलेगी, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, आयु सीमा कहाँ तक ली जाती है, एडमिशन कैसे होता है और कहाँ मिलेगा इसका एडमिशन, इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के बाद आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखेंगे और दो दोस्त यहाँ पर नए हैं चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बेहतर से बेहतर जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर बात करते हैं DEd कोर्स के संबंध में। तो देखिएगा DEd का जो आपका फुल फॉर्म है वो है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा जो आपका होता है एक टीचर के लिए, वो डिप्लोमा है एक तरीके से ये, और इसके लिए आपको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में एक डिप्लोमा के कोर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डिप्लोमा है ये 12th के बाद आपका जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं वो इसको कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि कम उम्र में यदि कोई टीचर्स बनना चाहता है तो इस तरीके के डिप्लोमा के लिए वो अपनी जो है तैयारी कर सकता है, और ये करने के बाद आप जो हैं जब भी आपकी टीचिंग की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आवेदन कर करके बहुत ही जल्द टीचर बन जाते हैं। आमतौर पर कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद BEd या वो करने के बाद लगभग आपके 6 से 7 साल चले जाते हैं 12th के बाद, तब आपको कहीं जो है टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ केवल 12th के बाद ही आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है टीचिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो। तो फुल फॉर्म है इसकी डिप्लोमा इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा। तो ये जो डिप्लोमा है ये आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, अर्थात 2 वर्ष में ये कंप्लीट होता है, 2 वर्ष का एक कोर्स है। इसमें क्या है, ईयरली सिस्टम भी है, ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना अलग उन लोगों ने किया हुआ है, और आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम भी इसमें लागू होता है। तो दोनों प्रकार का सिस्टम इसमें लागू होता है, ईयरली भी और आपका सेमेस्टर भी। दूसरी, इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होनी चाहिए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे कि BEd वगैरह में इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में मुख्य रूप से आप लोगों के पास यदि आप जो है जनरल या OBC कैंडिडेट्स हैं, देखिएगा उनके लिए चाहिएंगे 50% मार्क्स, 50% से कम नहीं होने चाहिए ये जो मार्क्स हैं आपके, मिनिमम हैं, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और ये आपके होने चाहिए 12th में। 12th में आपके पास जो है 50% मार्क्स के साथ यदि आपने पास किया हुआ है तो आप जो है जनरल या OBC कैंडिडेट्स हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए योग्य हो। दूसरी बात करते हैं SC या ST कैंडिडेट्स, तो उनके लिए ये जो है 5% की छूट दी जाती है आपकी मार्किंग में। तो यहाँ से उनके लिए 45% मिनिमम स्कोर है यदि उनका 12th में, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके एडमिशन के आप योग्य हो यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST से संबंध रखते हैं। आयु की बात की जाए तो देखिएगा इसमें जो एज की काउंटिंग होती है सामान्य तौर पर वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 17 से 35 वर्ष तक होती है, और ये जो एज है 17 वर्ष से शुरू होकर के, यानी कि कम से कम आपकी 17 होनी चाहिए और अधिकतम एज आपकी 35 होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी एज जो है OBC के लिए यदि बात की जाए तो मैक्सिमम जो मिनिमम है वो आप लोगों के लिए 17 ही रहेगी, मैक्सिमम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हो जाएगी आपकी 38, और SC या ST है या आपकी फीमेल कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए इसमें और ज़्यादा छूट है, उन लोगों को 40 तक आपकी जो है मैक्सिमम एज ली जाएगी। तो ये एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन 12th पास है।
अब इसका जो एडमिशन प्रोसेस है उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बीएड और डीएलएड और डीएड में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, यदि बात की जाए तीनों में अंतर की, पहले जो पॉपुलर कोर्स है सबसे ज़्यादा वो बीएड है, उसके बाद डीएलएड है। इसको जो है बीटीसी भी कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रख दिया गया है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये जो बीएड है, बीएड क्या हुआ, एक प्रकार की आपकी डिग्री हुई है। ये आपकी जो है यहाँ पर एजुकेशन में इसको जो है डिग्री के तौर पर काउंट किया जाता है। बाकी ये आपका जो डीएड है और आपकी डीएलएड है, ये दोनों क्या है, एक तरीके के आपके डिप्लोमा हैं। तो डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ बन जाता है। अब इन दोनों तीनों में अंतर क्या है कि ये जो है आपका 12वीं पास कैंडिडेट्स करते हैं, इसमें आपका क्या है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो कोर्स है ये भी 2 वर्ष का है, 2 ईयर का कोर्स है, ये भी 2 वर्ष का आपका कोर्स है और ये भी 2 वर्ष का आपका कोर्स है। चौथी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कॉमन चीज़ है, यहाँ पर 2 वर्ष के ही कोर्स हैं दोनों तीनों, और यहाँ पर लगभग फीस का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लगभग 81,000 रुपये फीस इसकी है आमतौर पर, और इसकी भी फीस 80,000 रुपये है, और यहाँ पर आपको इसकी जो फीस देखने को मिलेगी वो 70,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 2 वर्ष की ये कंप्लीट फीस है। तो इसके बाद आप इनमें डिफरेंस कर पाओगे। तो इनमें जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पर जॉब के लिए आता है, जॉब के लिए आपका डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। जॉब के लिए डिफरेंस कैसे आता है कि जब आप जॉब के लिए आवेदन करोगे तो ये जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, जिसको आप बोल सकते हो पीआरटी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पीआरटी लिख देता हूँ, और इसके लिए भी आप जो है पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं यदि आपने बीएड भी किया हुआ है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती हैं वो आपकी प्राइमरी टीचर्स के लिए ही निकलती हैं, और ये जो प्राइमरी टीचर्स होता है ये आपका कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का प्राइमरी टीचर्स के रूप में काउंट किया जाता है। जूनियर में यदि बात की जाए कि जूनियर में, हाँ ये जो जूनियर है ये कक्षा 1 से 8 तक का होता है, तो ये भी जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड वाले भी जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कि अब जो तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ से थोड़ा सा खेल बदल जाता है, ये आता है आपका टीजीटी। टीजीटी के लिए ना तो डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं ना डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी के लिए ना डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं और ना ही डीएलएड वाले। तो दोनों में, तीनों में देखने को कॉमन मिलेगा, यदि आपने ग्रेजुएट हैं तो सबसे बेहतर आपके लिए बीएड रहेगा, यदि आपने 12th पास हैं तो डीएड आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डीएलएड की समकक्ष ही ये डिप्लोमा है, क्योंकि जहाँ जॉब यहाँ से मिल जाएगी आपको वहीं जॉब यहाँ से मिलेगी, तो आपको ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता क्या है। हालांकि इसके बाद भी आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको आवश्यकता है तो आप इसके लिए ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए एडमिशन की प्रोसेस मैं आपको बता दूँ कि एडमिशन इसका किस प्रकार से होता है, उसके बाद इसके जो फायदे हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसको करने के बाद आप कौन से मुख्य कोर्स कर सकते हैं ताकि और आप बेहतर कर सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन आपका यहाँ पर जो मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अपने आसपास के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इसका संपर्क करें, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में इसका कोर्स को नहीं संचालित किया जाता है, कुछ विशेष यूनिवर्सिटी ही इस कोर्स को कराती हैं। तो आप जिस स्टेट से भी संबंध रखते हैं या जिस यूनिवर्सिटी जहां भी आप रहते हो उसके आसपास यदि कोई यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कराती है तो उसकी जानकारी आप स्वयं कर लें। इसके लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह की मैंने आपको डिटेल दे दी है। एडमिशन प्रोसेस जो होता है इसका मेरिट के आधार पर होता है, ये मेरिट के आधार पर होता है 90% कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में।
बाकी 10% ऐसे हैं जिनमें एंट्रांस एग्जाम्स भी आपका लिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी विशेष हैं जहां एंट्रांस एग्जाम्स आपका लिया जाता है। तो मोस्टली जो है मेरिट के आधार पर जो आपके 12th के मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। यहां पर एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो है 2 वर्ष में कंप्लीट करना होगा। फीस आपकी 70,000 रुपये लगेगी। अब बात आती है कि डीएड के फायदे क्या हैं, अर्थात इससे इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो फायदे के लिए मैंने आपको बता दिया है, जूनियर में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, प्राइमरी टीचर्स में आप जो है अप्लाई कर सकते हो जिसमें ज़्यादातर वैकेंसीज आपकी निकलती है 1 से 5 तक के में और 1 से 8 तक के में। इसके बाद जो है आप डीएलएड भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा होगी। हालांकि डीएलएड कोई करता नहीं है क्योंकि दोनों में बात कॉमन ही है, जहां ये अप्लाई कर सकते हैं वहां डीएड वाले भी कर सकते हैं। बीएड इसके बाद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसके बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो डीएड के बाद आप जो है ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं ताकि आप, क्योंकि पहले आपका सिक्योर हो जाता है भविष्य, यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो डीएड से आप उसमें डाल देते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन आपकी चलती रहती है। यदि जॉब नहीं लगती है तो ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है, साथ ही साथ इसके साथ आप जॉब भी कर सकते हो और प्राइवेट बीए या उस तरीके की ग्रेजुएशन की डिग्री आप हासिल कर सकते हो। जॉब और ग्रेजुएशन आपको डबल प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है, तो एक बेहतर कोर्स है। यदि कोई दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।